हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी'स किचन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर पर ही आप कैसे एकदम नरम और स्वादिष्ट फुलके बनाएंगे। देखिए फुलके कितने अच्छे से आराम से फूल रही है और ये कितना नरम बना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये आराम से टूट जाएगी, देखिए कितना नरम है। तो ऐसे नरम फुलका कैसे बनाते हैं घर पर, देखने के लिए पूरा रेसिपी अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है 1 कप। अब 1 कप आटा के लिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है, जो मैंने गुनगुना गरम कर लिया है, बहुत हल्का सा गरम। अब एक साथ आप पूरे पानी को मत मिलाइए, जितना पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके मैं मिला रही हूँ। लेकिन हमारा जो डो है वो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, एकदम नरम डो चाहिए हमको। देखिए मैं कितना अच्छे से डो को बना रही हूँ। अब भी आटा को ऐसे ही मिलाइए और डो बिल्कुल नरम होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ में लगा लिया, उस ऑयल को मैं डो के साथ मिला रही हूँ, बस थोड़ा सा ऑयल। अब मैंने थोड़ा सा और पानी ले लिया। डो देखिए इतना ही नरम होना है, मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ डो कैसे बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे फुलका अच्छे से बनती है। देखिए मेरा डो अभी करीब करीब रेडी हो गया है और ये कितना नरम बना है मैं आपको दिखा दिया। आप ऐसे ही डो को बिल्कुल बना लीजिए, इतना ही नरम। अब बन गया मेरा डो, मैंने 1 कप आटे से 7 पेड़ा बनाऊंगी। अब मैंने पेड़े बना लिया है, उसको अच्छे से शेप दे दीजिए गोल गोल ऐसे। लेकिन पानी बहुत कम यूज़ करना, जितना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके देना। अब जो मैं बेल रही हूँ, बेलना देखिए बहुत पतला, तो आपको बेलना है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो रोटी जो है वो फूलेगा नहीं और एकदम सख्त हो जाएगा। तो रोटी को पतला बेलिए, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो मिनिमम 0.5 मिलीमीटर थिकनेस उसमें रखना, थोड़ा सा थिक रखना, एकदम पतला नहीं। अब मैंने तवा को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया, अब रोटी दे दिया। मैं एक साथ 2-3 रोटी सेकूंगी, 3 रोटी को मैं एक साथ सेकने वाली हूँ। अब एवरी 2-3 सेकेंड बाद आप रोटी को पलटते रहिए और एक करके रोटी ऐड करिए। ऐसे आप सारे रोटी के दोनों जो साइड है अच्छे से सेक ले लीजिए। लेकिन ये 3 रोटी सेकने के लिए बस मैंने 30 से 35 सेकेंड भी लिया है और एवरी 2-3 सेकेंड बाद मैं रोटी को पलट रही हूँ। एक ही साइड में मत रखना, तो फिर रोटी सख्त हो जाएगी। ऐसे जैसे 30 सेकेंड बाद देखिए रोटी में छोटा छोटा सा बबल्स आ रही है, ये बबल्स जैसे आ जाएगी रोटी को आप सेक लीजिए ऐसे। और पूरा रोटी की जो बनाने का प्रोसेस है उसमें गैस को फुल फ्लेम में रखिए, रोटी सेकना हो या फुलाना हो। अब मैंने ढक के रख दिया। फ्रेंड्स कैसा लगा आज की रेसिपी? प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल जो है द्रौपदी'स किचन को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।